लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी रायपुर की पावन भूमि गुढ़ियारी में प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी सार्वजनिक दही हांडी उत्सव का आयोजन संयोजक बसंत अग्रवाल की अगुवाई में किया गया। बता दें कि बीते कई सालों से राजधानी रायपुर के दही हांडी मैदान गुढ़ियारी में इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड तथा उड़ीसा एवं अन्य राज्यों से भी गोविंदा टोलियां प्रतिभागी के रूप में प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंची थी। प्रतिभागियों में से विजेता टोली को पुरस्कार स्वरूप 5,51,000 का इनाम राशि समिति के संयोजक बसंत अग्रवाल के द्वारा प्रदान किया गया। साथ ही इस साल के आयोजन में छत्तीसगढ़ कला संस्कृति को बिखेरने वाली कलाकार आरू साहू का रंगारंग कार्यक्रम भी रखा गया था। वहीं उड़ीसा का फेमस घंटा बाजा आकर्षण का केंद्र रहा, जिसमें कई लोग एक साथ बाजा बजाते नजर आए। इसके साथ ही वृंदावन से आई कृष्ण लीला की मनमोहक झांकी भी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। वहीं संयोजक बसंत अग्रवाल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि गोविंदा टीम का लगातार आना जारी है। बड़ी हांडी के लिए भी, महिला हांडी के लिए भी टीम आ रही है, क्योंकि महिला वहां पर फंस गई है तो उनको अपन निकालने के लिए लगे हुए लगातार अपने वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ा आयोजन हो जा रहा है, क्योंकि हमारा 13वां साल है और 13वें साल में हम नया कर रहे हैं सब कुछ। तो झांकी है वृंदावन की, आरू दीदी का कार्यक्रम है और विशाल संख्या में जनसमूह आप देख ही रहे हैं, क्योंकि ये हांडी जो है 60 तक फूटती है, इसलिए लोग भी पाँच छः ऐसे आते हैं। जैसे जैसे शाम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे और लोग टोलियाँ भी आती जाएंगी। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। गुड़ियारी में जो दही हांडी कार्यक्रम हो रहा है बहुत ही ज़्यादा भव्य तरीके से हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा ऑडियंस यहाँ पास मौजूद है और ऐसे ही अभी तक तो कोई मटकी फोड़ नहीं पाया है, लेकिन फोड़ेंगे।